इस कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की आवा को देखते हैं जो नींद से काफी डर कर उठती है क्योंकि उसने वापस से सपने में अपने फादर को मरते हुए देखा था। हमें पता चलता है कि 12 साल पहले दो लोगों ने आकर उसके घर पर उसके फादर को मार दिया था और उसी दिन से आवा को काफी मुश्किल भरी जिंदगी जीनी पड़ रही है। उसके फादर एक क्रिमिनल थे और उन्होंने आवा को मार्शल आर्ट सिखाया था जिससे आवा दूसरे क्रिमिनल से फाइट कर सके। काफी टाइम बुरी लाइफ जीने के बाद आवा अपनी जिंदगी में अब काफी खुश थी और वो डेरिक नाम के एक आदमी से शादी भी कर लेती है। हालांकि डेरिक से आवा एक मीटिंग में मिली थी और वहीं वो उसे पसंद आ गया, लेकिन डेरिक की फैमिली आवा के साथ शादी के लिए मानती नहीं क्योंकि उन्हें आवा के पास्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं था और डेरिक की फैमिली सोसाइटी में काफी रिस्पेक्टेड थी। पर डेरिक अपनी फैमिली को मना लेता है कि आवा एक काफी अच्छी लड़की है और उसका पास्ट भी बिल्कुल साफ है, जिसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और कुछ टाइम के बाद वो दोनों एक आइलैंड पर अपना हनीमून मनाने के लिए जाते हैं जहाँ पर डेरिक की फैमिली के पास रहने के लिए एक घर भी था। उस आइलैंड वाले घर में पहुंचने के बाद आवा को डेरिक की बचपन की कई सारी फोटोज दिखती है जो कि डेरिक की मदर के साथ थी, पर उसकी मदर की मौत कुछ ही साल पहले हो गई है। फिर दोनों साथ में कई सारी एक्टिविटी करते हैं जिसमें उन्हें काफी मजा आता है और वो अपना हनीमून काफी इंजॉय भी करते हैं। फिर रात में वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ उन्हें एक आदमी मैनी मिलता है जो कि उस आइलैंड पर टूरिस्ट गाइड का काम करता है। मैनी उन्हें एक जिपलाइन राइड पर ले जाने की कहता है जो उसका दोस्त ही चलाता है। डेरिक और आवा को भी ये काफी मजेदार लगता है, इसलिए वो दोनों राइड पर चलने के लिए मान जाते हैं और अभी के लिए मैनी उन्हें एक काफी अच्छे क्लब में ले जाता है जहां आवा और डेरिक डांस करने लगते हैं। तभी वहां पर एक गैंगस्टर की नजर आवा पर जाती है और वो आवा के पास आता है। डेरिक उस आदमी को दूर करने की कोशिश करता है पर वो आदमी मानता नहीं। मैनी भी कोशिश करता है कि वो आदमी दूर हो जाए पर वो आदमी किसी की नहीं सुनता और बदतमीजी करने लगता है। अब वो आदमी जिसका नाम बिगबीज है वो डेरिक को एक पंच भी मार देता है और आवा के साथ डांस करने की कोशिश करने लगता है। अब अपने हस्बैंड को ऐसा पिटता देखकर आवा को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स से बिगबीज और उसके साथियों को मारने लगती है। इसके बाद वो सभी घर पर जाने लगते हैं पर मैनी और डेरिक आवा की ऐसी फाइटिंग स्किल्स को देखकर काफी हैरान थे और मैनी घर जाते हुए भी लगातार आवा की तारीफ किए जा रहा था। अगली सुबह मैनी उनके घर पर आता और उन्हें बताता है कि बिगबीज अपने साथियों के साथ अपनी बेइज्जती का बदला लेने आ रहा है। ये जानकर डेरिक और आवा परेशान होने लगते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या कहना चाहिए। तभी मैनी हंसने लगता और बताता है कि वो तो मजाक कर रहा था और वो यहाँ पर उन्हें जिप राइड के लिए ले जाने आया है, जिसके बाद आवा और डेरिक जिप लाइन पर आ जाते हैं जहाँ पर आवा को काफी डर लग रहा था क्योंकि उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। पर डेरिक और मैनी वहाँ आवा को समझाते हैं कि उसे कुछ भी नहीं होगा। एक बार राइड करने के बाद आवा को काफी ज्यादा मजा आता है और उसका ऊंचाई का डर भी निकल जाता है, तो मैनी और भी ज्यादा खतरनाक और अच्छी जिप लाइन पर चलने के लिए कहता है। अब वो दोनों दूसरी वाली लाइन पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक मील का ट्रैवल करना था, लेकिन फिर भी वो दोनों काफी एक्साइटेड दिख रहे थे। सबसे पहले डेरिक जाता है पर वो अपने दूसरे पॉइंट तक पहुंचता इससे पहले वो रस्सी टूट जाती है जिसने उसे पकड़ रखा था और यहाँ पर अब डेरिक को हाथों से रस्सी पकड़कर लटकना पड़ता है। ये देखकर वहाँ का एम्प्लॉई और आवा काफी डरने लगे थे। अब वो एम्प्लॉई डेरिक को बचाने जाने लगता है पर एम्प्लॉई बचा नहीं पाता उसे और डेरिक नीचे फॉरेस्ट में गिर गया था। आवा जल्दी से उसे बचाने फॉरेस्ट में भागती है। थोड़ा ढूंढने के बाद आवा को डेरिक मिल जाता है जो कि बेहोश पड़ा था और उसका एक पैर भी काफी बुरी तरह से टूट गया था। तभी आवा देखती है कि डेरिक के पास जो पैसे थे वो भी गायब हो चुके हैं, जिसकी वजह से आवा को थोड़ा शक होता है कि यहाँ कुछ तो गलत चल रहा है। वहीं मैनी जल्दी से एम्बुलेंस को बुला लेती है और वो लोग डेरिक को लेकर जाने लगते हैं। आवा उनके साथ बैठने की कोशिश करती है पर वो लोग आवा को बैठने नहीं देते और कहते हैं कि उन्हें कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट करने होंगे इसलिए उनके साथ कोई जा नहीं सकता। अब वो लोग सिर्फ एक हॉस्पिटल का कार्ड देते हैं और डेरिक को लेकर जाने लगते हैं। आवा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता इसलिए वो किसी की बाइक लेकर एम्बुलेंस के पीछे जाने लगती है। जल्दी जल्दी में आवा का एक्सीडेंट भी हो जाता है जिसकी वजह से एम्बुलेंस आगे निकल जाती है, पर फिर भी आवा जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है और हॉस्पिटल के स्टाफ से पूछती है कि उसके हस्बैंड जो अभी एम्बुलेंस से यहाँ पर आए हैं वो कहाँ पर हैं, लेकिन उसे वहाँ पर पता चलता है कि यहाँ ऐसा कोई पेशेंट नहीं आया है। ये सुनकर वो काफी हैरान हो जाती है और वो जाकर दूसरे हॉस्पिटल में भी डेरिक के बारे में पता करती है, लेकिन उसे कहीं से कुछ भी पता नहीं चलता। अब वो जल्दी से पुलिस स्टेशन में अपने गायब हस्बैंड की रिपोर्ट लिखवाती है। अगले दिन रॉबर्ट और डेरिक की सिस्टर सैंडी आइलैंड पर आ जाते हैं और जल्दी से पुलिस स्टेशन जाकर पता करते हैं कि डेरिक के किडनैपिंग के बारे में उन्हें कुछ पता चला या नहीं। अब आवा सैंडी और रॉबर्ट पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और डेरिक के बारे में पूछते हैं। इंस्पेक्टर रोमन सारी जानकारी लेता है कि डेरिक के गिरते ही उसके पास से सारे पैसे गायब हो गए थे और जिस एम्बुलेंस में डेरिक गया था वो कभी हॉस्पिटल पहुंची ही नहीं।
रोमन उन्हें बताता है कि पूरा आइलैंड खतरनाक क्रिमिनल से भरा है। तो यहाँ पर यह आम बात है कि क्रिमिनल्स डेरेक जैसे अमीर टूरिस्ट को किडनैप कर लेते हैं जिससे उन्हें पैसे मिल सके। अब रोमन आवा और बाकी सभी उस जिप लाइन पर जाते हैं जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। उन्हें वहाँ पर एक एम्प्लॉय मिलता है, लेकिन वो कहता है कि जब वो एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पर था नहीं। उसका झूठ सुनकर आवा को काफी गुस्सा आता और वो उसे पकड़ लेती है, लेकिन रोमन जल्दी से उस एम्प्लॉय को छुड़ा देता है। फिर वो सभी पुलिस स्टेशन वापस आ जाते हैं और रोमन आवा को क्लब में उसकी फाइट की वीडियो दिखाता है और उसे बताता है कि उसने इस जगह की सबसे खतरनाक गैंग के साथ लड़ाई की है और ऐसा भी हो सकता है कि आवा से बदला लेने के लिए ही उन्होंने डेरेक को किडनैप किया हो। अब आवा हर जगह डेरेक के मिसिंग पोस्टर लगाने लगती है और हर जगह जाकर डेरेक के बारे में भी पूछती है कि क्या उन्होंने कहीं इस आदमी को देखा है। अब रॉबर्ट आवा से कहता है कि डेरेक के गायब होने की वजह वही है, तो आवा को कुछ भी करके डेरेक को वापस लाना होगा। ये सुनकर वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे रॉबर्ट पर भी गुस्सा आता है, पर अब वो डेरेक के केस को अपने हाथ में ले लेती है और सबसे पहले वो उसी जिप लाइन पर जाती है और उस एम्प्लॉय जेनी को अपने साथ जिप लाइन के बीच में जाकर लटका देती है। वो उससे पूछती है कि उसने उस दिन क्या किया था। जेनी कुछ भी बता नहीं रहा था तो आवा उसे गिरा देने की धमकी भी देती है और अपनी मौत से बचने के लिए जेनी बताता है कि उसे गैंगस्टर से ऑर्डर मिले थे कि जब डेरेक वहां पर आए उसे डेरेक को नीचे गिरा देना है। अब आवा उसकी हर कही बातों को रिकॉर्ड भी कर लेती है। फिर वो जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वो रिकॉर्डिंग रोमन को दिखाती है और अब जल्दी से उन लोगों को अरेस्ट करने की कहती है जिन्होंने डेरेक को किडनैप किया है। पर रोमन उल्टा अपने ऑफिसर को आवा को ही अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है क्योंकि उसने एक जिप लाइन के एम्प्लॉय से सच बाहर निकलवाने के लिए उसे मारने की कोशिश की है। रोमन आवा से उस आइलैंड से चले जाने की रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एक ऑफिसर आवा को आइलैंड से बाहर ले जा रहा था। तभी आवा टॉयलेट जाने की कहती है, पर ऑफिसर आवा के साथ जाने की कहता है। वो दोनों टॉयलेट में पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी आवा ऑफिसर पर अटैक करती है जिससे वो ऑफिसर वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर वो अपनी हथकड़ी की चाबी ले लेती है और हथकड़ी खोलकर पानी में कूद जाती है और फिर वो तैरकर वापस से उसी आइलैंड पर पहुंच जाती है। वो जल्दी से मैनी को ढूंढती है और उसे मारकर उससे डेरेक के बारे में पूछती है, लेकिन मैनी बताता है कि उसे डेरेक के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर मैनी आवा को अपने घर पर ले आता है क्योंकि आवा को पुलिस भी ढूंढ रही है। मैनी के घर पर आवा मैनी की मदर और भाई से मिलती है। फिर वो मैनी के साथ प्लानिंग करती है कि डेरेक को कैसे ढूंढा जा सकता है। आवा कहती है कि उन्हें रोमन और बाकी लोगों से सच बाहर निकलवाना होगा, सिर्फ ऐसे ही वो डेरेक के बारे में पता कर सकते हैं। अगले दिन वो एक ऐसी जगह पर जाती है जिसे गैंगस्टर का मीटिंग अड्डा कहा जाता है, जिससे उन्हें वहां से डेरेक के बारे में कुछ पता चल सके, लेकिन वहां पर भी उन्हें कुछ ज्यादा पता नहीं चलता। अब वो दोनों वापस जा ही रहे होते हैं कि तभी मैनी को वही लोगो दिखता है जो उस दिन एम्बुलेंस पर था। वो दोनों जल्दी से उस पोस्टर को देखते हैं जिस पर वो लोगो था। पोस्टर से उन्हें पता चलता है कि वो लोगों मुर्गों की लड़ाई की है, तो वो दोनों जल्दी से उस जगह के लिए निकल जाते हैं जहां पर वो लड़ाई होने वाली है। वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं और मैनी आवा को कार के अंदर ही रहने की कहता है क्योंकि वो एम्बुलेंस का ड्राइवर आवा को देखकर भाग सकता था। मैनी अकेले ही अंदर चला जाता है। कुछ ही देर में आवा को एम्बुलेंस का ड्राइवर एक लड़की के साथ कार में जाते हुए दिखा। आवा चुपचाप उस आदमी का पीछा करने लगी और थोड़ा आगे जाने के बाद एक खाली जगह आती है जहां आवा उस आदमी पर अटैक करती है और उसे एक खाली बिल्डिंग में ले जाकर उसे मारने लगती है। फिर वो उस आदमी को धमकी देते हुए कहती है कि अगर उसने डेरेक के बारे में सब कुछ सच नहीं बताया तो वो उसे मार देगी। उस आदमी को जो कुछ पता था वो उसे बता देता है, लेकिन सब पता चलने के बाद भी आवा उस आदमी को लगातार मारती है और आवा उस आदमी को इतना मारती है कि वो बेहोश ही हो जाता है। उसके बेहोश होने के बाद आवा उसका फोन ले लेती है और उसके दोस्त ओमार को कॉल करके बुलाती है। अपने दोस्त को बचाने के लिए ओमार आवा की दी गई लोकेशन पर आ जाता है। आवा और ओमार की काफी बहस होती है और आखिर में आवा ओमार को जमीन पर गिराकर मार देती है, जिसके बाद आवा को पुलिस वापस से गिरफ्तार कर लेती है और रोमन आवा को आइलैंड पर जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह बताता है। कुछ देर के बाद रोमन आवा को पुलिस स्टेशन से बाहर निकालता है और कुछ पुलिस वालों के साथ कहीं भेजता है। आवा को लग रहा था कि वो पुलिस वाले उसे जेल ले जा रहे हैं, पर जल्दी वो समझ जाती है कि वो पुलिस वाले उसे फॉरेस्ट में ले जा रहे हैं जिससे वो आवा को आसानी से मार सके। फिर वो सभी फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं और पुलिस वाले आवा के लिए कब्र खोदने लगते हैं, जबकि आवा अभी भी कार के अंदर ही थी, लेकिन वो चुपचाप अपने हाथ हथकड़ी से निकाल लेती है और कार से बाहर निकलकर पुलिस वालों को मार देती है। कुछ देर के बाद रोमन को आवा का कॉल आता है और वो उसे उसकी बेटी के कमरे में आने की कहती है। रोमन आवा को अपनी बेटी के रूम में देखकर काफी हैरान था और साथ ही वो देखता है कि उसने उसकी बेटी पर गन भी पॉइंट करी हुई है। अब उसके पास सच बताने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए वो बताता है कि डेरेक जिस दिन गायब हुआ था उसी दिन ऑपरेशन रूम में उसकी मौत हो गई। रोमन बताता है कि उसके पास डेरेक की मौत छुपाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था क्योंकि जिस डॉक्टर ने डेरेक का ऑपरेशन किया था उसने कुछ टाइम पहले रोमन की बेटी की जान भी बचाई थी। रोमन ने जो कुछ भी किया उससे उसे काफी बुरा लग रहा था, इसीलिए घर से निकलते हुए वो खून के पैरों के निशान छोड़ते हुए जाता है, जो कुछ देर के बाद आवा भी देख लेती है।
फिर आवा मैनी के घर पर आ जाती और काफी रोने लगती है, क्योंकि अब उसे मानना ही होगा कि डेरेक नहीं रहा। मैनी डेरेक को रोते हुए देखता और उसे हौसला देने की कोशिश करता है। अगले दिन आवा उस हॉस्पिटल में जाती है और सभी से बदला लेने का डिसाइड करती है। अब सबसे पहले आवा उस रिसेप्शनिस्ट को पकड़ लेती है जिसने आवा से झूठ बोला था। वो उसका गला दबा देती है और जब तक वो मरती नहीं वो उसे छोड़ती नहीं है। उसके मरने के बाद आवा उसे कार की डिग्गी में डाल देती है और उसका आईडी कार्ड लेकर हॉस्पिटल में चली जाती है। उस आईडी कार्ड के साथ वो उस डॉक्टर एल्बर्ट के रूम में भी चली जाती है और उसके मुंह पर प्लास्टिक बैग बांधकर उससे पूछने लगती है कि उसने डेरेक की बॉडी के साथ क्या किया। वो आवा से कैमरे की फुटेज चेक करने की कहता है, क्योंकि एक गैंगस्टर जिसका नाम सिल्वियो है वो डेरेक को अपने साथ ले गया था और साथ ही डेरेक अभी भी जिंदा है और ठीक है। जिसके बाद कुछ गैंगस्टर हॉस्पिटल आते हैं और उनके साथ डेरेक भी था। आवा उनसे नर्स के रूप में मिलती है और उनसे उसे पता चलता है कि वो लोग डेरेक का ऑपरेशन करके उसके स्पाइनल कॉर्ड को सिल्वियो के अंदर डालने वाले हैं। लेकिन ऑपरेशन के शुरू होने से ठीक पहले ही आवा सभी पर गन तान देती है और डेरेक को वहां से ले जाने लगती है। लेकिन सिल्वियो के लोग जल्दी से आवा और डेरेक का पीछा करने लगते हैं, जो कि हॉस्पिटल से भागने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों हॉस्पिटल की इमरजेंसी एग्जिट से बाहर आते हैं, लेकिन सिल्वियो के लोग उन्हें घेरने लगते हैं। पर तभी आवा सिल्वियो को हॉस्टेज बना लेती है और वो सिल्वियो के लोगों को डेरेक और उसे जाने देने की धमकी देती है, वरना वो सिल्वियो को मार देगी। अब आवा उसे हॉस्टेज बनाकर जाने लगती है और सिल्वियो आवा को लगातार धमकी दे रहा था। तभी सिल्वियो कार से कूद जाता और अपने लोगों के साथ आवा का पीछा करने लगता है। आवा जल्दी से मैनी को बताती है कि उसे कहां पर मिलना है और मैनी को क्या करना चाहिए। और कुछ देर के बाद वो मैनी के पास पहुंच जाती है और मैनी के साथ मिलकर एक विलेज में छुप जाती है। कुछ ही देर में वो गैंगस्टर सिल्वियो भी वहां पर आ जाता है और वहां के कुछ लोगों से आवा के बारे में पूछता है। वो लोग उसे आवा के छुपने की जगह के बारे में बता भी देते हैं, जिसके बाद वो और उसके लोग उस घर को पूरी तरह से घेर लेते हैं। आवा और डेरेक भी बिना कोई टाइम वेस्ट किए हर उस आदमी को मारने लगते हैं जो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था। आवा सिल्वियो के पास उससे फाइट करने पहुंच जाती है और पूरा विलेज उन्हें फाइट करते हुए देखता है। कुछ ही देर में वहां पर पुलिस भी आ जाती है, पर जब तक पुलिस वहां पर आती है आवा ने सिल्वियो को फिर से हॉस्टेज बना लिया था। सिल्वियो पुलिस वाले से आवा को अरेस्ट करने की कहता है, क्योंकि उसने उन्हें पहले से पैसे खिला रखे थे। तभी वहां पर बिग भी जा जाता और वो आवा से ऐसा तमाशा ना करने की कहता है, क्योंकि इससे यहां पर टूरिस्ट का आना बंद हो सकता है और यहां के लोगों का घर भी टूरिस्ट की वजह से ही चलता है। वो आवा से उसका चाकू मांगता है जिससे उसने सिल्वियो को हॉस्टेज बना रखा था। आवा भी वो चाकू उसे दे देती है और बिग्बी उस चाकू से सिल्वियो को मार देता है। अब बिग्बी सभी पुलिस वालों को वापस जाने की कहता और वादा करता है कि जितने पैसे सिल्वियो उन्हें दिए थे वो उससे डबल पैसे उन्हें देगा। अब बिग्बी आवा को डेरेक के साथ आइलैंड छोड़ देने की कहता है और उनसे हमेशा खुश रहने की कहता है। अब इसके बाद डेरेक और आवा उस आइलैंड को छोड़कर वहां से चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी।